Same to you. I love. I love. Yeah, you're looking like Madhuri in India. Okay. Look at Rina again. इंडिया तो हेलो मैं प्रिंस राय आप सबका भाई और स्वागत करते हैं एक नई वीडियो साथ। और आज हम देखो हमारा सामान पैक हो गया है, हमने सामान पैक कर दिया है, हाई कर दो यार दोस्तों एनर्जी के साथ। तो फिर हम जा रहे हैं आज पशुपतिनाथ टेंपल और वहां पर हम बताएंगे आप लोगों के कैसा टेंपल है। मैं भी पहली बार ही आया हूं, मैं भी पहली बार ही जा रहा हूं, तो हमें कल नॉलेज नहीं और सब कुछ सेटअप वगैरह हो गया है। इस होटल में हम रुके थे, होटल है पशुपतिनाथ। तो ये अपने सबसे प्यारे भाई लोग थे, रात में मिलाया था, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। और मस्त बंदे जो भी आए, होटल यहाँ पर है, बहुत सस्ता होटल है राइडर के लिए और पशुपतिनाथ होटल है। और एड्रेस एक बार और बता दो, एड्रेस एक बार सुन लेंगे। एड्रेस सोरो घुट्टे नया बाजार थमेल। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से मंदिर में और वहीं बातें होगी। और ये बहुत स्मार्ट आदमी है, हाँ ये गर्लफ्रेंडों के चक्कर में बहुत परेशान है। चलो फिर मिलते हैं। तो हम निकल गए हैं पशुपतिनाथ टेंपल के लिए और अभी पेट्रोल भरवाना है, पेट्रोल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है इसके अंदर एंड देन उसके बाद निकलेंगे पशुपतिनाथ टेंपल। अभी यहाँ से अभी दूर है पशुपतिनाथ, जाएंगे बहुत सारे मोड़ है रास्तों में सीधे जाके। और यहाँ पे ठंडी बहुत है बता दो आप लोगों को, पोखरा से ज़्यादा ठंडी काठमांडू में, जबकि पोखरा से सामने एकदम माउंट एवरेस्ट है, लेकिन फिर भी पोखरा से ज़्यादा ठंडी काठमांडू में है। यहाँ पर जब धूप निकलता है ना दोस्तों, सूरज निकलता है, इतना अच्छा लगता है, क्या है पूरा मतलब ठंडी। और उसके बाद जब सुबह होता है ना, तो आपको 6, 7, 8, 9 बजे तक इतनी पेल के ठंडी पड़ती है कि आपको क्या बताऊँ। आप ये देख सकते हैं, ये चाट कोला का प्रचार नेपाल में मतलब ये अजय देवगन करते हैं एडवर्टाइज, और इनका फोटो भी ऐसा लग रहा है जैसे नेपाल से रिलेशन है इनका, क्योंकि ना चेहरा पूरा नेपाल जैसा बना दिया है उन्होंने, मतलब चिकना मस्त। तो ये है चाट कोला, डाबर चाट कोला, मतलब मुझे लगता है कि हजमोला जैसा है, या तो पीने वाला भी है और हजमोला जैसा भी है। यहाँ का खाना मोमोज दाल चावल भात है और यहीं पर है पशुपतिनाथ है। क्यों इमरान, यहाँ का खाना मोमोज चाल दाल चावल भात है और यहीं पर मशहूर पशुपतिनाथ है। तो काठमांडू कैपिटल है और आपको बता दूं लगता भी है सिर्फ नेपाल में ही बड़ी सिटी है, और वरना कहीं सिटी नहीं मिलेगी आपको, घाटी में छोटे छोटे सिटियां मिलेगी, नेपाल की बड़ी सिटी मिलेगी। यहाँ पर हर जगह के लोग हैं, बिहार के भी वो लोग हैं यहाँ पर, सब बिजनेस कर रहे हैं। सारे ट्रैफिक को तोड़ फोड़ के पहुंच गए हैं इस गलियों में, अब जा रहे हैं पशुपतिनाथ मंदिर। यहाँ आपको बता दूं ओरिजिनल रुद्राक्ष मिलता है, ओरिजिनल, तो वो लिया जाएगा, पिंटू भैया ने भी मंगवाया था। ये आप देख सकते हैं कितना शानदार मार्केट है। पार्किंग नहीं है इधर आगे, पार्किंग नो पार्किंग लिखा हो तो। किधर, वहां तो नो पार्किंग लिखा हुआ है। या पार्क कर सकते ना गाड़ी, पार्क तो कर सकते, ट्रैफिक नया है अंदर, ट्रैफिक नीचे में है ना, तो पार्किंग, पार्किंग है क्या नीचे, ओके थैंक यू। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं पशुपतिनाथ टेंपल, वहां पर नेपाल के हमारे राइडर क्लब जो बॉब एमसी में जा रहे हैं,
सर आपका नाम पवन तामंग पवन तामंग कहाँ से नेपाल में हाँ नेपाल इधर चौलाखंड से हाँ तो कैसा क्या ग्रुप है आपका बताएंगे हमारा टोटल ग्रुप होगा 80 टोटल 80 होगा 80 का ग्रुप है राइडर बाइक्स वगैरह सब मिक्स है सब रॉयल इनफील्ड वगैरह सब टोटल है टोटली रॉयल इनफील्ड का है तो चलिए फिर इनसे बात करते फिर आपसे मुलाकात करते टेम्पल के अंदर तो भूल जाता है तो ये है रास्ता पशुपतिनाथ का आप यहाँ से मेन हमने पार्किंग पीछे कर दिया और पार्किंग करने के बाद हम यहाँ जा रहे हैं और मेरे को कैमरा इसलिए इधर करना पड़ रहा है क्योंकि रोशनी एकदम सामने आ रहा है और इधर इस साइड ब्लैक हो रहा है पूरा चेहरा इसलिए रोशनी इस साइड से आ रही है सर हाय तो फिर अंदर घुसते हैं मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना नहीं अलाउ है इसलिए मैं मंदिर से बाहर से जितने भी मार्केट में आपको एक्सप्लोर कराऊँगा उसके बाद हम लोग दर्शन करेंगे दर्शन करने के बाद आपसे और भी सारी बातें होगी फिर चलते अपन मंदिर के बाहर तो आपको एक और बात बता दूं यहाँ पर ओरिजिनल रुद्राक्ष मिलता है आप देख सकते हैं ये है इसके अंदर निकलता है अगर फोड़ेंगे तो इसके अंदर निकलेगा रुद्राक्ष और ये है उसके अंदर ये फ्रेश नेपाल में आपको पूरा टोटल ओरिजिनल मिलेगा और ज़्यादा रेट नहीं है यहाँ पर रेट ज़्यादा नहीं है ये 150 रुपया ना 250 नेपाली 250 और ये नेपाली 400 रुपया तो कोई भी ज़्यादा रेट नहीं है सब कुछ सस्ता ही और अच्छा है सब कुछ आपको परफेक्ट मिलेगा ओरिजिनल मिलेगा तो रुद्राक्ष चाहिए तो आप नेपाल एक बार पशुपतिनाथ आइए और एक बात बता दूँ यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नेपाल के ही लोगों का शॉप है यहाँ पर इंडियन भी है जैसे ये हमारे सर जी इंडिया से इंडिया से कहाँ से आप नेपाल बिहार से हम तो बारह जिला से और ये आंटी जी बिहार से प्यारे लोग हैं और प्यारी सी दुकान है आप देख सकते हैं ये शॉप है ना आपकी ये पूरी इनकी शॉप है जो दिखा रहा था मैं फिर मिलते हैं और आगे तो आप देख सकते हैं आप फोटो क्लिक करने के लिए भी नेपाल सरकार ने कितना चलाया विजिट नेपाल 2020 लाइफ टाइम एक्सपीरियंस वो हमने अभी किया है पोखरा वगैरह तो ये लोग सब वही फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं कितना अच्छा है एक बार हाय कर देना यार भैया प्लीज एक बार हाय हाँ सब फोटो खिंचवा रहे वगैरह तो सब फिर हम भी फोटो खिंचवाते हैं फिर मिलते हैं तो फाइनली पशुपतिनाथ जी का दर्शन हो गया और हमसे आज मिले हैं सबसे पहले बात तो नेपाली बुलेट हम भी बुलेट पे आए हैं तो सर जी हाय कर दे सर जी हेलो नाम क्या है सर आपका मेरा नाम पवन तामंग है पवन तामंग का बुलेट है और लुक देखिए कितना शानदार है यहाँ पर बुलेट लगा यहाँ बुलेट बहुत महंगा बता दूँ इंडिया में सस्ता 170-178 का यहाँ पर कितने का है 588 लाख का बुलेट है नेपाल के अंदर तो फिर इनसे भी बात करते फिर आप लोग से बात करते हैं बाय बाय नेपाल बाय बाय सूरज नेपाल को बाय बाय नेपाल बाय बाय नेपाल तो भाई लोग काठमांडू में ट्रैफिक तो देखो तो भैया देखो जाते समय भी कितना प्यारा लग रहा है देख रहे हो आप ऐसे कितना खूबसूरत लग रहा है इमरान कितना प्यारा लग रहा है देख रहे हो कितना खूबसूरत है मेरे दोस्तों कि मंजर दी किस खूबसूरती का क्या ख्वाब लाया है मैंने इस एडवेंचर पे नजारे लाजवाब पाया है ओ देखिए भाई लोग ये नजारा तो देख लो यार क्या ऐसा लग रहा है कि जैसे आसमान और इन जंगलों का मिलन हो रहा हो
तो भाई लोग ये अचार ले रहे हैं हम लोग, ये मिर्ची का अचार है जो मैंने वहाँ पर खाया था 150 का। चाय बना दे तीन। हाँ, और ये है नहीं लेना, वो बड़ा अजीब दिख रहा है। और ये काई का अचार है, तू लेगा? वैसे लूंगा। तू तो अपना ले, वो ले लेना। ये मिर्ची ले रहा हूँ, मिर्ची बहुत शानदार है। वाह अरे मेरी बादल, मेरी हिमालयन, क्या तूने चला और क्या घुमाया, क्यों भाई? हिमालयन अपनी दो लोगों को लेकर पूरी पहाड़ी को घुमा दिया इसने। नेपाल दम रखती है यार गाड़ी। आ गए बॉर्डर पे, फाइनली बॉर्डर पे आ गए। और अभी हमको आएगा हाईवे, वो देखते हैं कहां तक आएगा। ये तो पहुंच गए हैं हम रक्सौल, अब देखते हैं यहां से शायद 53-54 किलोमीटर है तो बिहार का, बिहार के अंदर तो रात में नहीं घुसेंगे हम, क्योंकि बिहार घुसते घुसते बहुत लेट हो जाएंगे, फिर वो कुहारे कुहरे आएंगे। ऐसा तो बिहार में कुछ होता नहीं, चोरी वगैरह सब खत्म हो चुका है। हमारे बिहारी बाबू लोग बहुत अच्छे हो गए, गवर्नमेंट अच्छी हो गई है, तो भाई लोग बता दो बिहार में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, आप बहुत रात में चल सकते हो, जा सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इस टाइम। तो हम घुसेंगे अब रक्सौल, देखते हैं रक्सौल से आगे चले या पीछे ही रुक जाए नेपाल बॉर्डर के अंदर में, तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो मिलते हैं फिर जहाँ पे जाना है वहीं पर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज। मेहनत कर रहा हूँ मैं, सीख रहा हूँ मैं और धीरे धीरे क्रिएटिव भी ला रहा हूँ अपने ब्लॉग्स में। तो भाई लोग तब तक के लिए अलविदा, राइट सेफ, जय हिंद, जय भारत।